फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस प्रीत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। मैं हो चुकी हूँ रेडी, मिस्टर प्रीत भी हो चुके हैं रेडी, और हम लोग जा रहे हैं अभी एक शॉप में। क्यों जा रही हूँ चलिए आपको बता देती हूँ। अभी रिसेंटली आ रहा है दीपावली, और दीपावली से पहले आता है धनतेरस। तो उस दिन बहुत लोग गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि एक मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदा जाता है, तो बहुत जन जाके खरीदते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ गोल्ड शॉप में वृंदावन में, और वहाँ पे आपको दिखाऊंगी क्या क्या नया चीज़ आया है, ताकि आप लोग पहले से जाके आपको जो अच्छा लगे वो आप जाके ले के मतलब बुक कर सको, या फिर खरीद सको, या फिर कुछ भी कर सको। डिज़ाइन तो देख पाओगे ना आप लोग। तो चलिए चलते हैं अभी वहाँ पर और देखते हैं कौन कौन सा डिज़ाइन नया आया है। चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अभी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हम लोग हॉस्पिटल रोड क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और बीटी रोड जो है, बीटी टॉकीज रोड मतलब विजय टॉकीज रोड जो है रास्ता, वहाँ पे हम लोग अभी टर्न करेंगे। बस यहीं पे उसी रोड में है वृंदावती ज्वेलर्स। तो चलिए इसी रास्ते से अंदर चलते हैं, और जब थोड़ा दूर जाओगे आपको यहीं पर देखिए मरून कलर का ये वाला बिल्डिंग दिखेगा, ये नीचे है वृंदावती ज्वेलर्स। ये रहा वृंदावती ज्वेलर्स, और हम आके पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। अंदर मैं जैसे ही आई थोड़ा सा अंदर का शूट किया और सीधा अंदर चली गई। अंदर अभी हम लोग शूट करेंगे आज का आइटम सब, क्या क्या अभी अवेलेबल है, कौन कौन सा डिज़ाइन है आप लोग देखिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ चूड़ी से, रेड कलर का पोला। तो ये सब है रेड कलर का पोला, जो कि डिज़ाइनर पोला भी है, सिंपल वाला भी है, एंड अलग अलग वैराइटीज़ का है, तो अलग अलग साइज़ का भी है। जैसे ये सब सिंपल पतले में है, और ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये उससे चौड़ा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिज़ाइन वाला, ये भी थोड़ा सा बड़ा वाला है, गणेश जी बने हुए हैं उसमें, एक में लक्ष्मी जी में, और पास से आपको दिखाऊँगी, पहले आप देख लीजिए, बहुत चौड़ा वाला है। और ये उसके ऊपर जो ऐसे तार टाइप का रहता है ना, गोल्ड का काम, और ये जो छोटा छोटा वर्क रहता है किया हुआ, ये सब अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है। ये नीचे वाला जैसे, ये सब अभी बहुत चल रहा है ये पोला सब। और ये और एक डिज़ाइन का देखिए अंदर, ये तो साइड में सिंपल वाला और ऊपर एक सिंपल वाला, ये साइड में भी सिंपल, नीचे का भी। और ये देखिए अंदर गोल्ड एंड साइड साइड में गोल्ड। और ये पोला जैसे मैं बता रही थी, एक उल्टा हो गया है साइड वाला, देखिए गणेश जी पूरा दिख रहे हैं, स्वस्तिक दिख रहा है, ये पोला में गणेश जी हैं, और ये लक्ष्मी माता का है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, सौंखा जिसे हम बोलते हैं। और देखिए 5.950 करीब 6 ग्राम के आसपास है ये, बहुत सुंदर दोनों दो पीस मिला के। और ये बहुत चौड़ा वाला है, यहाँ पे कमल बना हुआ है, एंड ये वाला देखिए जगन्नाथ जी बने हुए हैं, स्वस्तिक है, जगन्नाथ जी हैं, ओम लिखा हुआ है, स्वस्तिक नहीं, हाँ स्वस्तिक भी है छोटा छोटा देखिए। और इसका भी देखिए 6 ग्राम के अंदर है ये पोला, बहुत सुंदर लग रहा था, ये देखिए 6.480 जैसे लिखा हुआ है। और गोल्ड रेट जिस दिन जो होगा उसके हिसाब से प्राइस होता है। और ये चार चार पीस वाला पोला है, और ये पतला वाला जो पोला जैसे मैं ली थी, और साइड में जगन्नाथ जी वाला पोला रखा हुआ है, और ये भी चार पीस थोड़ा सा चौड़ा वाला, ठीक है, थ्री लेयर वाला पोला। तो ये हो गया पोला डिज़ाइन। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जी हाँ, कलर पोला, मतलब जो रेड कलर का रहता है ना, ये अलग अलग कलर्स के हैं, जैसे आपको दिख रहा है रेड थोड़ा सा लाइट स्पार्कल कलर जैसे है, और नीचे जो डिज़ाइनर पोला सब है, एंड ऊपर जो लाइट ग्रीन ब्लू कलर के हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये भी आप ले सकते हो, आजकल ये बहुत पहन रहे हैं मैचिंग करके। और ये कुछ चूड़ी मतलब है बैंगल्स, ये चौड़ा वाला दो पीस है, और ये पतला वाला, ये प्योर गोल्ड का है। मैं डिज़ाइन बस आपको दिखा रही हूँ, कितना स्मार्ट लग रहा है, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था, ये मुझे भी बहुत पसंद आया, प्लेन में थोड़ा सा डिज़ाइन, रेगुलर यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ये 22 ग्राम में है, साइज़ के हिसाब से अलग अलग होगा, नीचे का भी अलग है। तो ये कुछ गोल्ड बैंगल्स हैं, तो मैं बस थोड़ा सा शूट कर रही थी, देखिए वृंदावती ज्वेलर्स इसके बॉक्स में। अभी देखते हैं कुछ इयर रिंग्स, वहाँ पर जो दिख रहा है आप लोग देख लीजिए कितना कितने ग्राम का है, डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा प्यारा है, सब रेगुलर यूज़ वाला है, जो कि हम छोटा छोटा पहनते हैं रेगुलर यूज़ में, उसी टाइप का ही है, और सब अलग अलग डिज़ाइन का है, जो आजकल चल रहा है, ज़्यादा ट्रेंड में है, जो फैशनेबल है, जो छोटे छोटे हैं उसी टाइप के हैं, जो हम लोग भी पहन सकते हैं, गर्ल्स लोग भी पहन सकते हैं उसी टाइप के, और रेगुलर यूज़ में ये सब ठीक रहता है, ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं, उसी पैटर्न में लंबा वाला भी है, जैसे ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर एक थोड़ा सा लंबा लंबा टाइप का, जो लोग लंबा पसंद करते हैं, डिज़ाइनर पसंद करते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये इयर रिंग।
मैं बहुत क्लोज से दिखा रही हूँ एंड आपको अच्छा लगेगा, पता चलेगा बोल के। ये वाला भी एक बहुत सुंदर लग रहा था, कुछ झुमका भी दिखाऊंगी। ये वाला देख लीजिए, सुंदर सुंदर ईयर रिंग, थोड़ा सा लंबा लंबा टाइप, बहुत लंबा नहीं बट मीडियम जो रहता है, जो अच्छा दिखता है ना, अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत सारा डिज़ाइन है। और अभी देखते हैं एक झुमका, जो लेयर वाला झुमका रहता है ना डबल लेयर में, उसी टाइप का ये, एंड बहुत सुंदर लग रहा था। 4.830 मतलब 5 ग्राम के अंदर है ये, सुंदर लग रहा था ये डबल झुमका। जैसे बहुत बड़ा बड़ा झुमका जो पसंद नहीं करती, ये और एक डिज़ाइन उसका, उसी का ही सिंपल सिंपल, मतलब सॉरी छोटा छोटा सिंपल डिज़ाइन, बहुत क्यूट डिज़ाइन सब है। ये देखिए पोला वाला चूड़ी, तो देखिए अभी पोला रिंग देखते हैं। और ये पोला रिंग सब गोल्ड वाला है, जी हाँ ऐसा वाला मेरे पास भी एक है, बहुत सुंदर लगता है ये जब हाथ में आप पोला पहनोगे एंड पोला के साथ ये पोला रिंग पहनोगे, तो देखिए कितना सुंदर दिखेगा फिंगर में रेड कलर में। और रेड तो वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, और जो लोग पोला नहीं पहन पाते हैं या नहीं पहनते हैं वो लोग पोला रिंग पहन सकते हो, बहुत अच्छा रहता है पोला। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है पोला रिंग सब रेड कलर में, और डिज़ाइन अलग अलग है, अलग अलग साइजेस है। और ये छोटा सा झुमकी बहुत क्यूट लग रहा था, क्यूट सा झुमकी रेगुलर यूज़ के लिए। और ये एक ईयर रिंग, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, मैं हाथ में पकड़ी हूँ ना, मेरा हाथ ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक क्योंकि मेहंदी नहीं छूटा अभी तक। और ये कुछ छोटे छोटे डिज़ाइन जो कि रेगुलर यूज़ कर सकते हो, एंड बहुत प्यारे डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन सब है। कौन सा आपको अच्छा लग रहा है देखिए, अगर अच्छा लग रहा है जाइए वहाँ से लेके आइए, ठीक है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है सारा डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन। तो ये कुछ चेन है जो वहाँ पे रखा गया था, तो मैं सोची चलिए आपको चेन भी दिखा देती हूँ। कुछ डिज़ाइनर चेन है, कुछ सिंपल चेन है, जैसे ये सिंपल वाला है और ये भी सिंपल है बॉयज़ लोगों का, और साइड में भी बॉयज़ लोगों का ही है। और ये गर्ल्स लोग जो पहनते हैं ना सिंपल चेन पतला वाला, वो सब अलग अलग प्राइजेस में, अलग अलग साइजेस में। और ये देखिए पोला वाला नेकलेस, ये भी चेन है, और ये भी चेन सब है देखिए जो रखा गया था, मैं दिखा रही। ये पोला नेकलेस गोल्ड का, पोला लीजिए चूड़ी, पोला लीजिए नेकलेस, पोला लीजिए फिंगर रिंग, मैच करेगा। और ये एक छोटू सा मंगलसूत्र, बहुत क्यूट लग रहा था ये मंगलसूत्र सब, आजकल ये सब बहुत पहनते हैं। ये वाला देखिए डबल लेयर में छोटा सा यहाँ पे पेंडेंट, और छोटी छोटी इयर रिंग्स हैं उसके, कुछ नेकलेस जो कि यहाँ पे था शोकेस में, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए ये भी सुंदर सा डिज़ाइन है, और उसके इयर रिंग्स जो शादी वादी में आप दे सकते हैं, है ना। और ये भी एक छोटा सा डिज़ाइन है, और उसके इयर रिंग, ये भी शादी टाइम पर पहना जा सकता है आराम से, लॉन्ग के साथ जो छोटा पहनते हैं ना उसमें। और ये लॉन्ग, ये झुमका देखिए, ये झुमका मुझे बहुत अच्छा लगा, मस्त लगा, बहुत क्यूट लगा, गोल्ड में अच्छा दिख रहा था। और ये मंगलसूत्र भी बहुत प्यारा लग रहा था, ये देखिए डबल लेयर में है, बीच बीच में मोती है, एक लॉकेट लगा हुआ है। ये झुमका, ये रानी हार जो कि हमेशा ट्रेंड करता रहता है, उसको बदल नहीं सकते आप, उसका डिज़ाइन चेंज होगा लेकिन बहुत अच्छा लगता है। रानी हार एक पेंडेंट रहता है लंबा, उसके ऊपर आप गले में चोकर टाइप का पहन सकते हो। और ये चेन के साथ एक पेंडेंट था, और उसका मैचिंग इयर रिंग था, ज़्यादा तो नहीं था, उसका पेंडेंट भी 3 ग्राम के अंदर था, और इयर रिंग्स तो अलग ही होगा। और ये कुछ मंगलसूत्र एंड उसका डिज़ाइन, ये कुछ डायमंड रिंग्स जो कि वहाँ पे ही रखा गया था और मैं दिखा रही थी, लेकिन वो अच्छे से नहीं दिख रहा है यहाँ पे, शायद लाइट्स के वजह से थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं आप देख लो, डायरेक्ट जाके देख लेना, मैं बस थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ। और एक ट्रे भी है, चलिए देखते हैं ये वाला, देखिए साइड से करके दिखाती हूँ, ये सब डिज़ाइन दिख रहा है, लाइट थोड़ा जब ऑफ किए तो थोड़ा सा दिखाई दिया डिज़ाइन सब, बहुत अच्छा लग रहा था। रिंग सब पतला पतला है, डायमंड का है, एंड बहुत सुंदर डिज़ाइन सब है, अपने फिंगर में जो फिट आता है उसको लेना चाहिए तो अच्छा रहता है, थोड़ा छोटा बड़ा तो हो ही जाता है फिर। और ये देखिए कुछ ब्रेसलेट्स जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पर से कुछ तो बोथ बॉयज़ गर्ल्स दोनों पहन सकते हैं। ये वाला एक बहुत सुंदर लग रहा था, सेकेंड वाला देखिए, और ये पतला पतला ब्रेसलेट आज बहुत बहुत पहनते हैं बॉयज़ लोग गोल्ड का, गर्ल्स लोग भी आजकल पहनने लगे हैं, तो उसी पैटर्न में भी है गर्ल्स लोगों का पतला पतला वाला ब्रेसलेट। एंड ये वाला मुझे अच्छा लगा, वो सेकंड वाला देखिए, फ्लावर एक डिज़ाइन है। ये है दो मंगलसूत्र जो कि सिंपल चेन टाइप का है, ये वाला देखिए एक नया टाइप का रेड कलर का स्टोन लगा हुआ है, छोटे छोटे मोती, एंड 3.4 ग्राम के अंदर ही
मंगल सूत्र था ये वाला, और बाकी थोड़ा सा अलग था, वेट उसका ज़्यादा था। और यहाँ पे कुछ आपको लॉकेट दिखा रही हूँ गणेश जी वाला, ज़्यादातर गणेश जी हैं क्योंकि बहुत जन गणेश जी लेके जाते हैं, 2 ग्राम का, 4 ग्राम का, 3 ग्राम का। ये वाला एक 4 ग्राम का दुर्गा माता है, ये गणेश जी भी 4 ग्राम के अंदर ही है, 3 point something है, 480। ये वाला भी देखिए 2 ग्राम के अंदर गणेश, छोटू सा। ये गणेश जी भी बहुत अच्छे लग रहे थे, सिंहासन में जैसे बैठे हुए हैं ना वैसे, थोड़ा सा हैवी है पर अच्छा है, 4-5 ग्राम के अंदर। और ये शिव जी तो मस्त लग रहे थे, मस्त बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाला ओंग एक है। तो बस मैं आपको पेंडेंट दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। तो बहुत सारा चीज़ तो दिखा दिए, ये वाला मंगलसूत्र पहले भी था वो स्टैंड में, उसको ही मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए पतला पतला वाला मंगलसूत्र, एंड यहाँ पे कुछ फिंगरिंग है, आप लोग देखिए फिंगरिंग तो बहुत जन को पसंद है। धीरे धीरे करके एक एक करके मैं दिखा रही हूँ, सब अलग अलग पैटर्न में है। और ये सब डिज़ाइन सभी बहुत चलते हैं, जो हम लोग खुद पहनते हैं या किसी को देना चाहो रेगुलर यूज़ के लिए, ये सब फिंगरिंग ना बहुत अच्छा रहता है। ये पैटर्न देखिए बहुत सुंदर पैटर्न, अच्छा लगता है ये पैटर्न। ये देखिए मैट फिनिश में, सब मैट एंड गोल्डन दोनों टच में ही है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी देखिए मैट फिनिश में है एंड शाइनिंग फिनिश में, दोनों में मिला जुला के रिंग सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे, रिंग सब बहुत अच्छे लगे। तो ऐसा कोई नहीं था जो अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिंगर में डाल के देखो कौन सा अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से लेके जाना। ये सब डिज़ाइंस अलग अलग है, ये और कुछ थोड़े से छोटे छोटे डिज़ाइंस हैं सिंपल एलिगेंट टाइप के। ये वाला भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वैसे भी अभी धनतेरस आ ही रहा है, बहुत सारा ऑफर है, आप लोग जाइए देख के आइए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फिंगरिंग्स, जैसे मैं आपको एक साथ दिखा दी। तो यहाँ पे कुछ पैंडेंट्स हैं, आप लोग देखिए छोटे छोटे पैंडेंट्स जो कि आप गिफ्ट दे सकते हो, किसको दे सकते हो या फिर बच्चे लोगों को जो पहना सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोगों को, ये उनके लिए है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कुछ आपके पैंडेंट्स हैं मंगलसूत्र वाले, और यहाँ पे और बहुत सारे पैंडेंट्स हैं। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों के पास पहुँच पाए ये वाला ब्लॉग, और सबको पता चले कि कौन कौन से डिज़ाइन का चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस का है, चांदी का है, वो सब कोई दूसरे ब्लॉग में आएगा। तो आप ये वाले ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट में बताइए आप लोगों को ये गोल्ड डिज़ाइन सब कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। यहाँ पे कुछ ईयरिंग्स भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मैं लास्ट तक दिखाऊंगी। तो आप लोग लास्ट तक देखिए कितना सारा अच्छा अच्छा डिज़ाइन है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जाके लेके आइए। तो ये वाला जो ज्वेलरी शॉप है वृंदावती ज्वेलर्स, वो बीटी रोड में है, यानी कि विजय टॉकीज रोड में है, जैसे मैं आपको वीडियो के फर्स्ट में अच्छे से दिखा दी हूँ। आप लोग उसी रास्ते से जाइए आपको मिल जाएगा, बिल्कुल अंदर नहीं है, रोड के ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी एक नए चीज़ के साथ। तो ज़रूर शेयर कीजिए ब्लॉग को। बाय फ्रेंड्स।